पीर हमारा पैनल डिस्कशन हो रहा था जब वो आके बैठे, सैयद अख्तर पीर प्रोविंशियल सेक्रेटरी सिंध बॉयज स्काउट्स एसोसिएशन, प्लीज आप स्टेज पे आ जाइए ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए। मैं चेयरमैन फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल पाकिस्तान मिस्टर अली खान कुरैशी से भी गुजारिश करूंगी कि वो भी स्टेज पे आ जाए। इस शॉट वाले से मिल गया, ये भी बढ़ा दिए। अच्छा, अपने जिस शख्सियत का अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ उनका नाम बिल्कुल भी आप लोगों के लिए नया नहीं है, और उन्होंने किस तरह मेहनत से लगन से अपनी पूरी जिंदगी एक मकसद के तहत काम किया और अपनी पूरी ज़िंदगी इस एजुकेशन फील्ड को दी, स्ट्रगल की और बहुत कुछ अचीव किया अपनी ज़िंदगी में, तो आज हम उनको ऑनर कर रहे हैं थ्रू द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और ये पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है सैयद खालिद शाह साहब के लिए, प्लीज गिव देम अ वेरी बिग हैंड। और उसके लिए मैं गुजारिश करूँगी उनकी वाइफ मिसेस रोजा खालिद से कि प्लीज आप स्टेज पर आइए और ये अवार्ड उनके बिहाफ पर रिसीव करें। हो सकता है ये मेरे अब्बू के बहुत करीबी दोस्त थे, ये भी मेरे लिए है, ये भी मेरे लिए है। और हमें याद करें आज के दिन टीचर्स डे पे जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी को वक्फ किया था इसी काम के लिए, स्कूलों के मसाइल स्कूलों के प्रॉब्लम को गवर्नमेंट लेवल तक लेके जाना और फिर उन्हें हल करना, उनके लिए स्ट्रगल करना बहुत बड़ी चीज थी। तो आई वुड लाइक टू गिव अ वेरी बिग हैंड, पता चलना चाहिए कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलना हाँ हाँ मैं इनके साथ।